सर्वदलीय बैठक पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दे उठाए गए। जांच एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, ईडी को जो ताकत पीएमएलए को दी गई है उसे वापस लिया जाए। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सारे मुद्दे उठाए गए और खास तौर से जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार, ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए। बजट अभी आने वाला है, लेकिन बजट में लीक कर सकता हूँ कि दिल्ली को 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है, हम लाखों करोड़ का टैक्स देते हैं लेकिन हमें 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता। बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। देखिए, बजट अभी आने वाला है लेकिन पहले ही मैं बजट लीक कर सकता हूँ, और दिल्ली के मामले में तो मैं लीक कर सकता हूँ, 325 करोड़ से ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले 9 साल से 325 करोड़ मिलता है दिल्ली, लाखों करोड़ का टैक्स हम लोग देते हैं लेकिन 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता। वो मुद्दा उठाया।